Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, आज हम बात करने वाले हैं Excel में कुछ शानदार फॉर्मूलों के बारे में. तो वो फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं एक बार. दोस्तों देखिए, Excel में पहला जो फॉर्मूला हम सीखेंगे उसका नाम है लेफ्ट. ओके, देन जो दूसरा फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं उसका नाम है राइट. मैं लिखता हूं राइट, आर आई जी एस टी. तीसरा फॉर्मूला जो सीखेंगे हम उसका नाम है मिड, एम आई डी. ठीक है, चौथा फॉर्मूला जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है मॉड. मॉड फॉर्मूला आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं, आपको पता होगा कि मॉड किसे कहते हैं. मॉड वैल्यू वो होती है जो रिमाइंडर होती है, यानी जो शेष बचती है उसे मॉड कहते हैं. चलिए अब पांचवा फॉर्मूला जो है लेन, लेन फॉर्मूला जो कि लेंथ बताता है. ठीक है, और छठवा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डे. ठीक है, ये टेक्स्ट फंक्शन है लेन डे, ये दोनों टेक्स्ट फंक्शन है. ठीक है, और सातवां जो फॉर्मूला है वो सीखेंगे हम मंथ, एम ओ एन टी एच. ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हम सीखेंगे. सबको मैं सेलेक्ट करता हूं और इसको कर देता हूं अभी बोल्ड. बोल्ड यानी कंट्रोल बी दबा करके बोल्ड कर सकते हैं, यहां से भी बोल्ड कर सकते हैं. और इसको करने के बाद इसकी साइज मैं थोड़ी बढ़ा लूंगा यहां पर क्लिक करके, ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो. चलिए आइए सीखते हैं इन फॉर्मूलों को. इससे पहले मैं इस पर बना दूं बॉर्डर. तो ये देखिए, ये हम फॉर्मूले सीखेंगे. तो यहां पे मैं लिखता हूं कोई नाम, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं राम कुमार, ये मैंने लिखा. ठीक है, और इसको रिसाइज करना है. तो रिसाइज करना है तो या तो यहां पर आप क्लिक कीजिए और यहां से खींचिए, और नहीं तो एक शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूं, दबाइए अपने कीबोर्ड से अल्ट, मेरे साथ बोलिए अल्ट एच ओ आई, ये दबाइएगा तो ये रिसाइज हो जाएगा अपने आप. ठीक है, मैं थोड़ा और जूम करता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़े. तो यहां पे देखिए ये राम कुमार लिख के आ गया है. अब क्या करना है, अब हमें यहां लगाना है लेफ्ट का फॉर्मूला. तो यहां लिखता हूं मैं एल ई एफ टी, लेफ्ट लगाया हमने. ठीक है, और लेफ्ट लगा करके, और ये पूरा यहां देखिए नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये देखिए लिखा है टेक्स्ट. तो टेक्स्ट माने होता है ये लिखा हुआ, तो ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है. कॉमा उसके बाद है सिंटेक्स में, तो हम भी कॉमा दे देते हैं. अब ये जो लेफ्ट से नाम चाहिए वो कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आप बताइए. जैसे मान लीजिए आपको चार कैरेक्टर चाहिए, तो लेफ्ट से यहां से गिनिए 1 2 3 4, यानी यू एम ए आर. ये तो राइट से हो गया, अब लेफ्ट से हमें देखना है तो आर ए एम, और ये गैप, गैप भी काउंट होता है ये याद रखिएगा. अब इसको मैं बंद करने वाला हूं, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो वही आर ए एम, और यहां गैप प्रिंट हुआ है, हमें गैप दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सफेद है और गैप भी सफेद कलर में ही प्रिंट हो रहा है. मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ चार जो लिया हमने, फोर किया इसको, इसको मैं कर देता हूँ 5. जैसे मैं 5 प्रेस करूंगा एंटर करूंगा तो यहाँ के भी आ जाएगा. तो ये लेफ्ट फॉर्मूला रहा. आइए अब समझते हैं राइट फॉर्मूले को. मैं इसी चीज को, अब इस चीज को नहीं बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कोई नंबर लिख लेता हूँ. ठीक, और यहां पर मैं लगाऊंगा राइट फॉर्मूला. ठीक है, यहां पर राइट फॉर्मूला लगाऊंगा. अब नंबर पे भी राइट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या लेफ्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. ठीक है, तो अब यहां नंबर ले लिया हमने, और यहां ले लेता हूं, यहां मैं एक नाम लिखता हूं रितेश. ठीक है, ये रितेश लिख दिया हमने. तो ये दो चीजें हमने ली है. तो अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां लिखूंगा आर आई जी एच टी, राइट लिख दिया, टैप कर दीजिए ताकि ये ब्रैकेट लग जाए, और नहीं तो शिफ्ट दबा करके आप स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं. अब मैं सेलेक्ट करने वाला हूं इस नंबर को. हाँ, ये सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि जरूरी है कि यहाँ टेक्स्ट लिखा जरूर हुआ है, लेकिन ये नंबर को भी फिल्टर कर सकता है. देखिए यहां पे मैंने क्लिक किया, अब राइट से हमें चाहिए दो नंबर, यानी अगर राइट से दो नंबर चाहिए होगा तो राइट से दो नंबर क्या है, ये राइट है, तो 8 और 8 आना चाहिए. मैं कॉमा देता हूं और यहां 2 टाइप करता हूं, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो राइट से दो नंबर आ जाएगा 8 8. ओके, अब इसी को मैं ड्रैग करता हूं. अब देखिए राइट से ही यहां पर, देखिए यहां पे दो कैरेक्टर राइट से क्या होंगे, एच और एस, यही होंगे ना. तो देखिए यहां पे जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो फॉर्मूला अपने आप इसमें भी लागू हो जाएगा. यही एक्सेल की खासियत है, इनेबल फिल हैंडल हो जाता है. ठीक है, यहां पर देखिए ये सिर्फ एच आ रहा है. क्यों एच आ रहा है,
इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं, या D5 टू लिखा हुआ है, टू लेकिन आ रहा है एक ही कैरेक्टर, ठीक है। तो क्यों एक ही कैरेक्टर आ रहा है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले इसको देखते हैं, यहां पे हमने D4 लिखा था और टू लिखा था, ठीक है। आइए समझते हैं कि इसमें कितने कैरेक्टर है, एक दो तीन चार पांच कैरेक्टर इसमें है। इसमें देखते हैं एक दो तीन चार पांच छह है, जिसके वजह से ये सिर्फ क्या प्रिंट होकर आ रहा है, एच प्रिंट होकर आ रहा है। अगर यहां पे हम थ्री कर दें, यहां पे अगर मैं थ्री करता हूं तो एस और एच दोनों प्रिंट होकर आएगा। इसको मैं एंटर करता हूं और देखिए अब यहां पे एस और एच दोनों प्रिंट होकर आ रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें जो पहला वाला नंबर वाला है इसमें पांच ही कैरेक्टर है, तो पांच के हिसाब से ये फॉर्मूला यहां अप्लाई हो गया है। अब यहां पर इसे छह कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पांच के हिसाब से इनको सर्च कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिसके वजह से ये दिक्कत आ रही है हमारे फॉर्मूले में कि एक ही कैरेक्टर नीचे प्रिंट होकर आ रहा है। इसके बाद आते हैं मिड फॉर्मूले पर। तो मिड फॉर्मूले के लिए मैं यहां एक नाम लिखता हूं, एस ए यू आर ए वी सौरभ कुमार लिखता हूं मैं, के यू एम ए आर, ओके सौरभ कुमार। लिखने के बाद इसको रिसाइज करना है, तो फिर वही तरीका आप इस्तेमाल कीजिए, अल्ट एच ओ आई, तो यहां पे ये रिसाइज हो गया। अब क्या करना है, अब यहां पे मिड फॉर्मूला हमें यूज करना है, इज इक्वल टू के साथ मिड लगाइए। मिड लगाने के बाद यहां टेक्स्ट कह रहा है, तो टेक्स्ट आप यहां पे टेक्स्ट ले लीजिए, आप नंबर भी ले सकते हैं, टेक्स्ट कोई जरूरी नहीं। कॉमा देंगे इसके बाद, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं, कॉमा देंगे इसके बाद और यहां कह रहा है नम। तो अब मिड से कहां से शुरू करना है, ठीक है, जैसे F4 तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन शुरू कहां से करना है इसमें। जैसे मान लीजिए आपको दूसरे नंबर से शुरू करना है, ठीक है, यहां से दो लिखा मैंने और यहां कॉमा दिया, और यहां पे जैसे दो लिखता हूं दूसरे नंबर से दो कैरेक्टर, तो यहां पे एंटर करने पे देखिए क्या आ रहा है, दूसरे नंबर का दो कैरेक्टर, दूसरे नंबर के बाद दो कैरेक्टर, दूसरे नंबर से दो कैरेक्टर, तो ये देखिए ए यू, ए यू लिख के आ रहा है इसमें, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको नंबर पे भी ये चीज करके दिखाता हूं, कितने कैरेक्टर्स हैं गिनते हैं इसको, एक दो तीन चार पांच, और ये स्पेस छह, ये सात, ये आठ, आर नौ, यू दस, ए ग्यारह और ये बारह, बारह कैरेक्टर हैं। तो इसमें भी तीन चार पांच छह सात कैरेक्टर हैं, आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये बारह कैरेक्टर हमने इसमें भी ले लिए हैं। अब क्या करना है, इसको थोड़ा चौड़ा कीजिए, एक काम इसमें करना पड़ेगा, इसमें 12 करेक्टर आएंगे नहीं, एक काम करते हैं इसमें थोड़ा कम ही ले लेते हैं, तो इसको यहां पे हम ड्रैग करेंगे, देखेंगे क्या आएगा, ओके खींचते हैं। यहाँ पे देखिए दो और तीन आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगा है, मिड, और मिड में मैंने क्या लिया है, F4 को सेलेक्ट किया है, F4 ये भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दो के बाद दो कैरेक्टर, दो के बाद दो कैरेक्टर, दो से दो कैरेक्टर, तो दो और तीन, दो से दो कैरेक्टर क्या होंगे, दो और तीन होंगे, तो ये दो और तीन दे दे रहा है, बस यही है ये फॉर्मूला। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मोड को देखते हैं, मोड जो है शेष बताता है, जैसे सेवन है और यहाँ थ्री है, तो थ्री से डिवाइड करेंगे सेवन को तो क्या आएगा, इज इक्वल टू, मैं यहाँ मॉड लिखता हूँ, एम ओ डी मॉड, ठीक है। और यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूँ नंबर को, कॉमा, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ जैसा कि नीचे आ रहा है डिवाइजर को, तो यहाँ पर डिवाइजर भी सेलेक्ट किया मैंने, और एंटर जैसे प्रेस करता हूँ तो सात में तीन से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, एक आएगा, तो यहाँ एक आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लेन फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को मैं उठाता हूँ, इसी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ लेन फॉर्मूले में, और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूं। अब यहाँ पे लेंथ फॉर्मूले का हम देखेंगे लेंथ कितना है, एल ई एन लेंथ फॉर्मूले के द्वारा हम देख पाएंगे, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बस बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, ये हो गया आपका काम। नौ कैरेक्टर है इसमें, नौ, इसकी लेंथ नौ दिखा रहा है, गिनते हैं एक दो तीन चार पांच, और ये बीच वाला छह, ये सात, ये आठ और ये नौ, यानी स्पेस को भी काउंट करेगा। अब डे फॉर्मूला देखते हैं, डे फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, यहाँ डे लिखा हमने, ठीक है, और ये कह रहा है सीरियल नंबर, तो डे फॉर्मूला ऐसे नहीं लगेगा, आपको पहले एक तारीख लेनी होगी, ठीक है। मैं यहां पे देखिए, मैं आपको एक तारीख लेके दिखाता हूं, यहां पे लगाया हमने डेट, तो यहां पे ईयर कह रहा है, तो ईयर ये है 2019, कॉमा दिया हमने, मंथ है ये सेकेंड, और डेट है आज 11,
तो इसको मैं अब एंटर करता हूं, तो ये देखिए ये आ गया। अब डे फॉर्मूला मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, डी ए वाई डे, ठीक है। अब यहां कह रहा है सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूं तो क्या होता है, यहां पे 11 अपने आप आ जाता है, 11, यानी ये क्या दे रहा है, ये 11 क्या है, 11 जो है डेट है, मतलब आज की तारीख है, तो डे है 11, ठीक है। इस तरह से आप डे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो है मंथ का है, ठीक है। मैं इसी के बेस पे मंथ का फॉर्मूला भी लगाने की कोशिश करता हूं, यहां इसको कॉपी कर लेता हूं और टेस्ट करता हूं। और देखिए ये कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हैश वाला एरर कब आता है, ये एरर वैल्यू है, एरर माने गलती या त्रुटि, तो ये वैल्यू ऐसी कब आती है, जब कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ऐसी ऐसा एरर आता है। इसको मैं बड़ा करता हूं, अभी देखिए ये सही हो जाएगा, सही हो गया। अब हम यहां मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, एम ओ एन टी एच, ओके, यहां लगा दिया मंथ, यहां पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ नीचे लगाता हूँ इसको, ठीक है, यहां पे लगा देता हूँ, इज इक्वल टू एम ओ एन टी एच, मंथ लगाया हमने। अब ये कह रहा है सीरियल नंबर, तो इसी में से ये उठा लेगा, अपने आप उठा लेगा। उसमें अगर हमने डे लगाया था तो डे में क्या आया था, 11 आ गया था अपने आप, इसमें देखिए मंथ अपने आप आ जाएगा, यानी टू मंथ है, यानी फरवरी का महीना है, तो यहाँ पे देखिए दो अपने आप आ गया। तो ये डे और मंथ का फॉर्मूला था, ये इसी तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको एक और चीज इसमें दिखाना चाहता हूँ, फॉर्मेट पेंटर का भी यूज करके दिखाना चाहता हूँ, कैसे फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे और रैप टेक्स्ट क्या होता है ये भी दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि रैप टेक्स्ट क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं रैप टेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है राम कुमार, इसके आगे मैं कुछ और भी लिखने वाला हूँ, जैसे लिख दूंगा तिवारी, राम कुमार तिवारी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और जैसे ही बाहर आता हूँ तो ये तिवारी जो है इसके बाहर निकल रहा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूं मैं, देखिए ये मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए राम कुमार तिवारी एक ही लाइन में आ गया है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, टेक्स्ट को रैप कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब ये राम कुमार तिवारी एक ही लाइन में आ गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये चीज जो है तिवारी जो है बीच में हम लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे या सेंटर अलाइन करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, या इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे, तो ये देखिए ये सेंटर अलाइन हो गया अपने आप, ठीक है, कंट्रोल ई प्रेस करने से भी हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो बहुत ही इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है फॉर्मेट पेंटर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट लिखा हुआ है ना, इसको मैं करता हूँ ब्लैक, ठीक है, और जो टेक्स्ट है उसका कलर कर देता हूँ व्हाइट, तो ये दिखाई पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेट सब पर अप्लाई हो जाए, कैसे अप्लाई होगा, तो अप्लाई करना बहुत ही आसान है, या तो आप इस फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए। देखिए पहले मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक हो गया, ध्यान रहे कि कर्सर ऐसे ब्लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है, तो शॉर्टकट की के थ्रू पहले बताता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट सी, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया ये फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब इस फॉर्मेट को हम लगाना चाहते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पे लगाना चाहते हैं, यहां पर हमारा कर्सर ऐसे ब्लिंक नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लिंक होगा तो ये फॉर्मेट चलेगा नहीं। अब करना है कंट्रोल शिफ्ट भी, तो देखिए फॉर्मेट लगता है कॉपी नहीं हुआ है, इसको फिर से कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाकर, और इसको इस पे अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी, ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की यही है, किसी वजह से काम नहीं कर रही है इसमें। यहां पर आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दीजिए, ये फॉर्मेट कॉपी हो गया, हालांकि शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी ही होती है, और यहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मेट यहां पर भी लग गया। जैसे मैं यहां जाता हूं तो देखिए क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर दिखा रहा है, और इसमें ये शॉर्टकट की काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं लेके जाता तो ये अपने आप लिख के आ जाता कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट कॉपी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट की वाली बात आपको समझ में आई होगी कि शॉर्टकट की इसमें क्यों नहीं काम कर रहा है, और फॉर्मेट पेंटर वाली भी बात समझ में आई होगी कि फॉर्मेट पेंटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और फॉर्मेट कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, और इसी तरह से एक बार और फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे अप्लाई। तो ये बात आई होप की समझ में आई होगी कि इन सारे फॉर्मूलाज का उपयोग कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए इस पे भी मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, संजीव कुमार
विश्वकर्मा लिखता हूं, विश्वकर्मा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ये देखिए, ये बाहर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है क्या, ये बाहर ही जा रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये टेक्स्ट रैप हो जाए, तो रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये संजीव कुमार विश्वकर्मा यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब इसको मिडिल अलाइन कर दीजिए, ये सब मिडिल अलाइन हो गया। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।